अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आसमारिया। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कराची की स्पेशल चना चाट, जो आप लोगों को रमज़ान में बहुत मज़ा दुबाला कर देगी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके लवाजमात जो हैं वो बताऊँगी, यानी कि चटनियाँ, और जितनी किस्म की चटनियाँ होती हैं, हरी चटनी, रायता और दही और इमली की चटनी मीठी, और जो मीठी चटनी होती है ऑरेंज कलर की वो भी बताऊंगी। तो फिर हरी चटनी की से शुरू करते हैं। ये मैंने आपके सामने जैसे शो हो रहा है, ये बोतल में बना के रखी है हरी चटनी। ये मैंने कैसे बनाई है, इसकी इसका रेसिपी ये है कि आपने इस पुदीना लेना है 1 गड्डी, आधा गड्डी धनिया पत्ती लेनी है, और लहसुन का 3 से 4 जवे लहसुन के लेने, आधा चमची जीरा पाउडर लेना है, और नमक लेना है, और 1 लेमन का जूस जाएगा, और जो है 1 टेबल स्पून भर के इमली का रस जाएगा। इन सबको मिला के अच्छे से पीस लेना है। आइए आपकी मज़ेदार, और नमक हसबे ज़रूरत, मज़ेदार चाट की चटनी तैयार है। इसको पकौड़ों के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी चटनी मज़ेदार तैयार है। और ये रायता बनाने की रेसिपी ये है कि आपने इसमें धनिया पत्ती 1 गड्डी लेनी है। मैंने क्योंकि स्टोर किया है बना के, इसीलिए मैंने ज़्यादा ली है। धनिया पत्ती 1 गड्डी लेनी है, आधा आधा गड्डी आपने पुदीना लेना है, जीरा लेना है 4 से 5 टेबल स्पून। आपका अगर दही बड़ा कंटेनर है ना, तो इस तरीके से 500 ग्राम आपका दही है तो ठीक। आप और उसमें आपने 4 से 5 हरी मिर्चें डालनी है, और जो है क्या कहते हैं इन सबको भी अच्छे से, और लहसुन के 4 से 5 जवे डालने हैं, और इन सबको भी अच्छे तरीके से मिला के पहले पीस लेना है, फिर इसमें दही मिलाना है और दही को फेंटना है, वरना तो वो पतला सा बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और सॉरी मैं इसमें भूल गई थी, इसमें भी मैंने हरी मिर्चें डाली हैं 4 से 5 अदद। ठीक हो गया। फिर ये इमली की चटनी आ गई मीठी। ये बनाना इस तरीके से है कि आपने इमली को भिगो कर, और इसका पल्प, इमली को भिगो कर इसका ये बनाना इस तरीके से है कि आपने इसको इमली को भिगा देना है। मैंने 1 कप इमली भिगाई थी, आपने गर्म पानी में भिगा देना है, और भिगाने के बाद उसको उसका पल्प निकाल लेना है, सारा गूदा निकाल लेना है, और बीज अलग कर देना है, उसको छान लेना है अच्छा सा, और फिर उसको एक कंटेनर में डाल के, और उसमें डालनी है पीसी हुई सौंठ, पीसी हुई अजवाइन, पीसी हुई कलौंजी थोड़ी सी। मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ, 250 ग्राम इमली होगी, और उसमें जो है क्या कहते हैं आप 1 चम्मची जो है पीसी हुई सौंठ डालेंगी, पीसी हुई सौंफ डालेंगी, और 2 से 3 पिंच आप डालेंगी कलौंजी के, और कुटी लाल मिर्च डालेंगी आप 1 पूरा टेबल स्पून भर के, और इसमें जाएगा नमक हसबे ज़रूरत, और वाइट सिरका 1 चम्मच, और इसमें जाएगा चीनी। अगर आपके पास खजूर से बना रही हैं तो खजूर पूरा ज़्यादा अमाउंट में जाएगी, 500 ग्राम तक खजूर चाहिए होगी, अगर खजूर का पल्प, अगर आप खजूर से नहीं बना रही तो चीनी जाएगी 1 कप पूरी भर के। ठीक, और इस सबको डाल कर आपने अच्छा सा पका लेना है, और ये आपकी मीठी इमली चटनी मज़ेदार तैयार है। ठीक, और जो चाट की स्पेशल चटनी होती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी, बताने जा लगी हूँ स्पेशल इमली की चटनी, बाजार वाली ऑरेंज वाली, जो ऑरेंज ऑरेंज लाल लाल कलर की होती है, वो इंशाल्लाह ताला कैसे बनेगी तो उसकी रेसिपी बताती हूँ। जैसे आपको नज़र आ रहा है मेरे कंटेनर में क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1 कप ये लिया है, 1 कप इमली का पानी लिया है, इमली को भिगो कर उसको छान के उसका पानी लिया है, पतला पानी। ठीक, उसमें मैंने जो है अपना आधा कप जो है मैंने टमाटो कैचअप डाला है। ये आप टमाटो कैचअप देखें, ये आप कप देख लीजिए, आधा कप टमाटो कैचअप डाला है इन सबको मैं, और फिर मैंने फूड कलर डाला है आधी चम्मची, आधी चम्मची वो भी मैं शो कर देती हूँ। मेरे पास जो चम्मची, आप लोगों के पास जैसी टी स्पून है, मुझे उम्मीद है कि हर किसी के पास ऐसी टी स्पून होती ही है घर में, तो मैंने इससे आधी चम्मची ऑरेंज कलर डाला है इसके अंदर। ठीक ठीक अब मैं इसके अंदर जो मसाले डालूंगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
इसके अंदर मसाला जाएगा कुटी लाल मिर्च, ये देख रहे हैं आप, ये कुटी लाल मिर्च चले गई। मेरे पास बहुत ज़्यादा तेज़ वाली है तो इसीलिए आप लोग भी अपनी हिसाब से डालें कि जैसी आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें चाट मसाला मैं डालूंगी, 2 चम्मची चाट मसाला डालूंगी मैं, चम्मची, ये जो मेरे पास ये स्कूप्स हैं इसके, मैंने एक डाला, ठीक हो गया, और ये दूसरी चम्मची चली गई। तो यही मसाले जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, और ये बहुत अच्छी मज़े की चटनी बन के तैयार होगी आप लोगों की। और इसमें जाएगा चीनी, तो मैं आपको चीनी शो करती हूँ। अब ये मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। और इसको हम लोग गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। अब मैं इसका स्टोव ऑन कर दूंगी, जब इसमें उबाल आने लगेगा तो फिर इसको जितना हमें गाढ़ी चाहिए होगी उतना हम गाढ़ा कर लेंगे कॉर्नफ्लावर डाल के। वैसे तो जिनसे मैंने सीखी थी और जिन्होंने मुझे रेसिपी दी थी तो उन्होंने बताया था कि वो अरारोट डालते हैं बाजार वाले, लेकिन आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये उबाल आ जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर में आ जाएगा, और फिर हम इसमें, और आप इस चटनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, लेकिन अगर इसमें पानी का चमचा ना जाए तो ये पूरा 1 से 2 महीने बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही रहेगी, ख़राब भी नहीं होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आप लोगों को पापड़ी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो फिर पापड़ी बनाने के लिए मैंने ये 1 कप मैदा लिया है, और इसमें मैं जो हूँ आप लोगों के सामने ही मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, ये आप देख रहे हैं अजवाइन, ये मैंने बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितनी आपको अच्छी लगती है, जितनी मुझे अच्छी लगती है मैंने उस हिसाब से डाली है। ये 1 चम्मची ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। अब मैं इन सब इंग्रेडिएंट को छान लूंगी अच्छा सा, इस तरीके से छान लेना है आपने। अब ये अजवाइन भी आपने इसी में डाल देनी है, और अब इसमें आपने जो है 1 चम्मच जो है घी या बटर, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो डालें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप घी डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, कि ये 1 चम्मच घी है ये आप डालेंगे इसमें। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून लेंगे। भुनना सिखाऊंगी, मैंने घी डाला था, घी डालने के बाद जो है आपने इसको अच्छे से सारे घी को आपने फ्लोर में मिला लेना है, आटे में अच्छे तरीके से मिला लेना है, और आटा इस तरीके से होना चाहिए, आप देखें इस तरीके से भुनना चाहिए घी डालने के बाद आप जब इसकी मुट्ठी बनाए तो मुट्ठी बनना शुरू हो जाए इस तरीके से, इसके मतलब आपका आटा पानी डाल के गूनने के लिए तैयार है। आप थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, जितना पानी आपको ज़रूरत होगी उतना लेंगे, सारा पानी यूज़ नहीं होगा, और ये आटा बहुत ज़्यादा रोटी की तरह नहीं गूंथता, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ना नरम गूंथता है ना बहुत ज़्यादा कड़ा गूंथता है, लेकिन बिलाता बिल्कुल पतला है और देर तक तलता है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं गूनूंगी, थोड़ा 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 थोड़ा, और इस टाइम पे ही मैं जो हूँ इसमें थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी,
इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी। मैं इस तरीके से ही मिलाती हूँ तो मेरा अच्छा रहता है। वैसे आप सूखे आटे में भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से ही मिलाती हूँ तो मेरा अच्छा रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी वही तरीका सिखा रही हूँ जो जिस तरीके से मुझे ईजी रहता है और बेस्ट रहता है। ये देखें, पानी डालकर आप एक अच्छा सा डो बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा कड़ा बनाएंगे, ना बहुत ज़्यादा मतलब नरम बनाएंगे। बस इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने बनाना है। और आपके पास आटा गूंदने की मशीन है तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना छोटा सा होता है तो मैंने इसीलिए नहीं प्रेफर किया कि आटा गूंदने की मशीन में किया जाए। ये मैं खुद कर लेती हूँ। बस आप इतना पानी मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। अब इसको हम समेट लेंगे अच्छा सा। ये बिल्कुल अच्छा डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये ऐसे ही रफ रफ सा होगा और बहुत चिकना डो नहीं होगा। और इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। गीला कपड़ा रख के भी छोड़ सकते हैं और किसी आप बर्तन से कवर करके भी छोड़ सकते हैं। तो मैं लिड लगा के छोड़ दूंगी। जैसे कि मैंने ये लिड लगा दी, अब मैं चटनी को गाढ़ा करूंगी। हमारी चटनी माशाल्लाह से पक चुकी है। इसमें से जो स्मेल है मसालों की वो ख़त्म हो चुकी है। और मैं कॉर्नफ्लावर घोल रही हूँ, फिर मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ, लेके आ रही हूँ कॉर्नफ्लावर, दिखा रही हूँ मैं अपना। ये देखें कॉर्नफ्लावर है मेरा, घुल गया। ये मेरा कॉर्नफ्लावर घुल गया। ये कॉर्नफ्लावर हमने घोल लिया है। ये आप देख रहे हैं कि कॉर्नफ्लावर घोल लिया है। जितना आपको ज़रूरत हो, जितने में गाढ़ी हो जाए, बहुत ना ज़्यादा गाढ़ी ना बहुत ज़्यादा पतली, तो फिर आप उतना ही डालिएगा। ये मैं डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों के सामने ही। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने ही डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है चटनी का माशाल्लाह से। इसी कलर की उतरेगी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है जो तरीका वो करेंगे तो बिल्कुल ही इसी कलर की आएगी इंशाल्लाह। ये हमारी चटनी, इतना कॉर्नफ्लावर काफ़ी है इसमें, क्योंकि ये ठंडी होके भी गाढ़ी होगी। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो कटने वाला बन जाएगी, तो हमें वैसी नहीं चाहिए और ख़राब लगेगी, वो ख़राब हो जाएगी। चूल्हा बंद कर दें, चूल्हे पर से उतार दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और इसको हम ठंडा होने रख देंगे चटनी को। अब मैं आपको बाजार वाली फुलकियाँ ही बनाना सिखाऊंगी बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला वाला चीज़ बहुत अच्छी बनने वाली है। तो उसके लिए सबसे मैंने बेसन लिया है और ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है घोला हुआ। बस ये हसबे ज़रूरत चाहिए कॉर्नफ्लावर, 1 चमचा ही काफ़ी होता है। घोल के रख लें पानी में और थोड़ा सा उसमें घी डाल लें, या आपके पास बटर है तो वो डाल लें। अब मैं ये बेसन ले रही हूँ, 1 से 1.5 कप बेसन है ये, इससे ज़्यादा भी बेसन है नहीं, क्योंकि मुझे जितनी चाहिए मैं उतनी बना रही हूँ। आप लोगों को जितनी चाहिए आप उस हिसाब से बनाएं, इससे भी आपकी ये बहुत सारी बन जाती हैं। आप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं इन फुलकियों को बनाकर। तो अब मैं इसमें जो जो चीज़ें डालूंगी वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। इसमें मैं डालूंगी इन फुलकियों में जीरा, जीरा डालूंगी थोड़ा सा। और मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च। और इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला। वैसे तो जाती टाटरी है, लेकिन चाट मसाले में भी टाटरी मौजूद होती है, तो इसीलिए मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। आपके पास अगर टाटरी है तो टाटरी डालिए।
और नमक हसबे ज़रूरत जितना आपको चाहिए। और बेकिंग सोडा आधी चम्मची से भी कम है ये बेकिंग सोडा, क्योंकि ये मैंने छान के रखा हुआ था रमजान के प्रिपरेशन के लिए। बेकिंग सोडा नहीं, मैदा, मैदा नहीं, सॉरी सॉरी, बेसन, बेसन मैंने छान के रखा हुआ था। अब इन सबको आपने इस तरीके से मिक्स करना है, और ये कॉर्नफ्लावर जो घोला हुआ है मैंने, ये आपने डालना है। बहुत ही अच्छी कोई दही की फुलकियाँ बनेंगी, और इसको आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी बनेंगी। इसमें फेंटने में असल में कमाल होता है। फेंटने के लिए जो हूँ इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल करूंगी, तो मैं अभी आपको फेंट के दिखाऊंगी। आपने मीडियम गरम तेल रखना है, बहुत ज्यादा शदीद गरम तेल नहीं करना है। अब आप देखिए, आप इसको आपने बेसन को अच्छा सा फेंट लेना है कि ये क्रीमी हो जाए बिल्कुल। आपको इस बेसन को इतना फेटना है कि ये क्रीमी सा हो जाएगा। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा बहुत पतला लग रहा है और आपसे नहीं संभल रहा, तो इसमें आप थोड़ा सा जो है अपने पास से बेसन और ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गाढ़ा है, गाढ़ा नहीं है, पतला हो गया मुझसे, तो मैं इसलिए इसमें 1 चम्मच और बेसन ऐड करूँगी, 1 से 2 चम्मच और ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही हो जाए, ऐसा ही होगा। और अब आप इसको इतना फेंटें कि ये बिल्कुल फ्लफी सा हो जाए, क्रीमी सा हो जाए, और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। और जब एक छोटे प्याले में आप पानी लेके रखें, और पानी में जब इसको मिक्सचर को फेंटे हुए मिक्सचर को डालें तो वो फ़ौरन ऊपर आ जाना चाहिए। इट्स मीन कि आपका मिक्सचर जो है तलने के लिए तैयार है। तो हम फेंट लेते हैं इसको। फिर बात याद रखिएगा कि जितना अच्छा पिटाएगा उतना ही ज़्यादा जो है अच्छी अच्छी फुलकियाँ उतरेंगी। और अगर ये अच्छा नहीं पिटाया तो आपकी फुलकियाँ कड़ी होंगी, उसमें गुठलियाँ, अगर ये अच्छा नहीं पिटाया तो आपकी फुलकियाँ कड़ी होंगी, उसमें गुठलियाँ होंगी, और आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, जैसे ख़राब होंगी आपकी फुलकियाँ।
मेरा तेल जो मैंने चूल्हे पे रख दिया था वो काफ़ी गर्म हो रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा और लो कर दूंगी। तो ये अब हमारा बैटर रेडी है, अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देख रहे हैं आपने, इसने कलर भी चेंज कर लिया बिल्कुल। पहले किस कलर का था, बिल्कुल येलो येलो, और अब बिल्कुल आप देखें कितना अच्छा कलर हो गया है माशाल्लाह से। और अब मैं इसको आपको टेस्ट करके भी दिखवाती हूँ, जो मैंने आपको टेस्ट करने का तरीका बताया था। आपने क्या करना है, इसी तरीके से ऐसे लेना है और इस तरीके से अपनी इसको आपने गिराना है इसके अंदर पानी में। अब ये देखिए फौरन ऊपर आ गया मेरा, इट्स मीन के मेरा बैटर तैयार है, रेडी है तलने के लिए। और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे, हाई टू मीडियम फ्लेम पे तल, मीडियम टू हाई फ्लेम पे तलना है। बहुत लो फ्लेम पे भी नहीं तलना, ना ही तो बहुत हाई फ्लेम पे तलना है। अगर हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये होगा कि अंदर ऊपर से ये फूल जाएंगे, अंदर से ये कड़े गुठलियाँ हो जाएंगी इनके अंदर, और जो है ये कच्चे भी रह जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। अब आप तेल में भी डाल के देख लीजिएगा कि ये इतना हो कि आप के तेल में। अब मैं पहले थोड़ा सा आपके सामने ही डाल के दिखाऊंगी। ये देखिए मैं तेल में डाल रही हूँ, ये तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ, अच्छा कि वे फ़ौरन ऊपर आ जाए, लेकिन अभी तेल इतना अच्छा गर्म नहीं हुआ है, तो इट्स मीन कि आपको नहीं डालना। थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए तेल। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, देख इस तरीके से आपने डालना है। जब ये इंशाल्लाह ताला आप चाट बनाएंगे तो इंशाल्लाह 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 जो कराची की बेस्ट चाट है उसका आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह खाने खाकर। ये देखिए हमारी फुलियाँ कितनी अच्छी तैयार हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं आप लोगों की नज़र के सामने कैसे ये तेल के ऊपर आ गई है माशाल्लाह 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 से। और ये खाने में भी बहुत ही अच्छी होंगी इंशाल्लाह। पापड़ी का आटा भी तैयार है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना, ये हमारा रेडी है। इसको मैं बेल लूंगी। अब ये देखें ये अच्छा सा आटा हमारा तैयार है, और इसमें खुश्की लगाने की जरूरत भी नहीं है कि मैं इसमें खुश्की लगाऊं या कुछ भी करूं। मैं थोड़ा सा अपनी कढ़ाई का चूल्हा उधर करूँगी, और ये आप लोगों को उम्मीद करती हूँ नज़र आ रहा होगा। अब देखेंगे, ना इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत है आपको और ना ही तो इसमें खुश्की लगाने की ज़रूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पापड़ी का आटा बनाया है, और आप देख रहे हैं आपकी नज़र के सामने किस तरीके से, और नीचे चिपक भी नहीं रहा माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप लोगों के सामने ही मैंने इसमें सब कुछ किया है, और इसमें मैंने कोई भी खुश्की नहीं लगा ली, देखें अब कितना अच्छा बेला है। और इसको कितना बेलना है मैं आपको बता रही हूँ, अभी जो हमारी नॉर्मल रोटी होती है उससे पतली बेलाए, उससे बारीक बेलाएगा ये, और इसको मैं गोल गोल नहीं काटूंगी, आपकी मर्जी जो इस शेप में भी काटें, लेकिन मैं इसको खुरमी शेप में काटूंगी
क्योंकि वो तोड़ तोड़ के डालनी होती है, चूरना पड़ता है पापियों को, तो इसीलिए मैं इस तरह डालती हूँ। लेकिन बाजार वाले तो ऑफकोर्स ही पता है गोल गोल काटते हैं और उनको जल्दी भी होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग के सबके रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला इस वबा से हम लोग को जल्द से जल्द निजात दें। मेक श्योर कर लें कि हर तरफ से बराबर बिली हो, ये ना हो कि कहीं से पतली कहीं से मोटी, तो वो क्या होगा कि आपकी पापड़ी कहीं से नरम हो जाएगी, कहीं से डार्क ज़्यादा हो जाएगी, कहीं से कुछ हो जाएगी, कहीं से कुछ हो जाएगी, अगर आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मैं आप लोगों को बहुत स्पेशल चना चाट दे रही हूँ आज, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हेल्दी तरीके से घर में बना के चना चाट खाएं और भी अच्छी रेसिपी लाऊंगी आप लोगों के सामने। हम अपने पकौड़ों को भी ज़रा सा देख लेते हैं साथ साथ, हमारे पकौड़ों का क्या हाल है। ये देखिए हमारे पकौड़े हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे, कोई पकौड़े हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस थोड़ा सा और कलर दूंगी, इसके बाद इन पकौड़ों को मैं निकाल लूंगी। तो मैं आपके ही सामने इसमें पापड़ी तलने डाल दूंगी काट के। पापड़ी भी बहुत तेज आंच पे नहीं तलाएगी क्योंकि पापड़ी को देर तक तलना होता है रंग लाने के लिए और उसको क्रिस्पी करने के लिए, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं तलाएगी। अगर वो तेज़ आंच पे आप पापड़ियाँ डालेंगे बहुत गर्म तेल में, एक्सट्रीम गर्म तेल में जिसमें चूड़ा तलाता है या मुरमुरे तलाते हैं, तो वो उससे ये होगा कि वो फौरन से ऊपर से तो जल सी जाएगी, डार्क डार्क सी हो जाएगी, लेकिन वो नरम सी बनेगी और वह ख़राब लगेगी, अच्छी भी नहीं लगेगी आप लोगों को। ये सारी एहतियाती तदाबीर मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग जब बनाएं तो आप लोगों की भी चीज़ वही उतरे जैसे मेरी उतरती है और आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ना हो। इस तरीके से आपने काट लेना है, मैं ऐसे ही काटूंगी क्योंकि चूर चूर करके तो डालते हैं, इसी वजह से मैं इस तरीके से काट रही हूँ। आप गोल गोल भी काट सकते हैं, इसमें आपकी टोटली आपकी चॉइस है, इसमें कोई इशू नहीं है कि गोल काटें। देखा ये कितनी आसानी से कट रही हैं और चिपक भी नहीं रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप लोगों ने देख लिया कितनी अच्छी कट रही हैं ये, और अलग अलग बिल्कुल माशाल्लाह से, कोई आपस में चिपकी हुई भी नहीं है। इल्ला माशाल्लाह लाहौला खुतल्ला बिल्ला, बहुत अच्छी कटी है माशाल्लाह से। और हमारी पकौड़े भी तैयार हैं तो हम पकौड़े निकाल लेते हैं अपने, फिर पापड़ियाँ डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं पकौड़े इस तरीके से निकालूंगी अपने, और ये मेरे पकौड़े तैयार हैं, इनको मैं थोड़ा सा पानी में डाल के रखूंगी और फिर हमारी चाट में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे।
बहुत अच्छे पकोड़े बन के तैयार हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं पानी में डालने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी भी। पानी में डुबो दिया है। अब बस ये थोड़ी देर के लिए डुबोएंगे और बस ये फिर रेडी हो जाएंगे, फौरन निकाल लेंगे। तो हम अपनी पापड़ियाँ तल लेते हैं। तेल हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा माशाल्लाह से। इतना ही होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए गरम, ना इससे अगर तेल आपको ज़्यादा गर्म लगे तो आप नीचे आप अपने स्टोव की आंच को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज आंच पे पापड़ियाँ ऊपर से हो जाएंगी और अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगी फिर। ये देखिए हमारी पापड़ी आप लोगों के सामने तला रही है। ये देखिए आपकी हमारी पापड़ियाँ आप लोगों के सामने तला रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला लजीज आप लोगों को ये चाट खा के ज़रूर से आपको कराची की स्पेशल चाट याद आ जाएगी, उसका मज़ा आ जाएगा। और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब मैं आपके सामने चाट तैयार करूंगी। ये मेरे पास उबले हुए नमक के साथ चने हैं, पहले आपने चने डाल लें। ठीक, ये ठीक हो गया, आपने अच्छे से फैला देना है। फिर इस पे आपने थोड़ा सा दही का रायता डाल देना है, अच्छे से हल्का सा डाल देना है। फिर आपने इसमें दही डाल देनी है। ये देखिए आप लोग के पास अगर दही फेटी हुई नहीं है तो उसको फेट लें, और हमारे पास तो दही फिटी हुई आती है, तो फिटी यानी कि उसको इतना फेटने की नीड नहीं होता। आपने ये दही डाल देनी है इस तरीके से, आप मेक श्योर कर लें कि हर जगह हो गई। और ये आपकी दही चली गई। फिर आपने इसमें हरी चटनी डाल देनी है। आपने इस तरीके से हरी चटनी डाल देनी है। मेरी हरी चटनी का ब्लॉक हो रहा है तो मैं इस तरीके से डाल। अब जो हमने पकोड़े बनाए थे ये देखें आप कितने अच्छे बने हैं, बनके तैयार हुए हैं, कोई इनमें गुठलियाँ नहीं है। आपके सामने मैं कर रही हूँ माशाल्लाह। आपने ये डाल देना है इस तरीके से, देखें ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त। और जो बचे हैं आप इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं दही भुलकियाँ बना के खाने के लिए। इस पर से फिर मैं इमली की चटनी डालूंगी। ये मीठी इमली की चटनी कही हमारी। और अब हम डालेंगे स्पेशल चटनी जो हमारी लाल चटनी थी। आप ये देखें लाल चटनी चली गई हमारी माशाल्लाह। और हम इस पर से प्याज डालेंगे अपनी।
ये हमारी प्याज चले गई और ये हमारी पापड़ियाँ चली गई। आप देखें कितनी खस्ता बनी है, आप ये देखें, और जब ये ठंडी हो जाएंगी और भी खस्ता हो जाएंगी माशाल्लाह। आप ये देख लें, अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा इनको रेस्ट देना पड़ेगा आपको। अब ये हम धनिया पत्ती डाल लें, बस मैं ये डंडी नहीं डालूंगी और इसको मैं निकाल लूंगी और इस तरीके से फैला दें इसको हर तरफ, और डंडी निकाल दें। ये आप देखें, ये आपकी सारी निकल गई है माशाल्लाह। आप ये पापड़ियाँ डाल लें, देखें कितनी खस्ता पापड़ियाँ बनी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप देखें कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता हैं, कोई मेहनत नहीं लग रही इनको तोड़ने में। ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त पापड़ियाँ बनी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही कोई अच्छी बनी है माशाल्लाह 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 से ये पापड़ियाँ। बहुत ही गर्म है और मेरा हाथ बहुत जल रहा है गरम गरम तोड़ने में। और ये आप जो स्पेशल चाट मसाला है जो मैंने घर में बनाया है, ये मैं इस पर से डालूंगी। आप ये देखें इस चाट मसाले में आपने क्या करना है, जिसकी भी रेसिपी मैं आपको एक दिन बता दूंगी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। लेकिन आपको कोई भी अच्छी ब्रांड का चाट मसाला लेके उसमें कुटी लाल मिर्च और टाटरी डाल दें ज़्यादा सी, तो ये स्पेशल चाट मसाला ऐसे भी आप तैयार हो जाएगा। लेकिन टोटल फुल रेसिपी भी है इसकी मेरे पास, वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द शेयर करूँगी। अगर आपको और दही चाहिए तो फिर आप थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर से यूं यूं करके डाल सकते हैं। और इमली की चटनी चाहिए तो और डाल सकते हैं आप, ये आपकी चॉइस है। माशाल्लाह से ये बहुत बेहतरीन चना चाट रेडी हो चुकी है खाने के लिए। अफ्तार में खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और खूब 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 दुआ करें और मेरे लाइक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि आप मेरी और भी अच्छी वीडियोस हासिल कर सकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूंगी एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।